आपका पहला सवाल है, खरीदने पर काला, जलाने पर लाल, फेंकने पर सफेद, बताओ क्या है? आपका सही जवाब होगा कोयला। आपका दूसरा सवाल है, तीन अक्षर का है उसका नाम, आता है जो खाने के काम, अंत कट्टे तो हल बन जाए, मध्य कट्टे तो हवा बन जाए, बताओ क्या है? आपका सही जवाब होगा हलवा। आपका तीसरा सवाल है, किस देश में एक भी पेड़ नहीं है? आपका ऑप्शन है ए दुबई, बी कतर, सी इराक, डी मलेशिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कतर। आपका चौथा सवाल है, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी यमुना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। आपका पांचवा सवाल है, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सूरत, बी अमृतसर, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। साथ ही आप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हैदराबाद। आपका छठा सवाल है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी जापान, सी चीन, डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। आपका सातवां सवाल है, किस जानवर के दूध में अल्कोहल पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए शेरनी, बी हाथी, सी भेड़, डी कंगारू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाथी। आपका आठवां सवाल है, किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? आपका ऑप्शन है ए कनाडा, बी सूडान, सी मोनाको, डी इजराइल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोनाको देश के लोग। आपका अगला सवाल है, किस देश में आज तक भूकंप नहीं आया है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी नेपाल, सी नॉर्वे, डी कनाडा। क्या आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नॉर्वे देश में। आपका दसवां सवाल है, सबसे अधिक गुस्सा किस जानवर को आता है? आपका ऑप्शन है ए जंगली गधा, बी कुत्ता, सी जंगली भेड़िया, डी बाघ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जंगली भेड़िया। आपका अगला सवाल है, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियों के नहाने के बाद छोटी हो जाती है? इसका सही जवाब होगा साबुन। आपका अगला सवाल है, दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और दिमाग लगाकर लड़की का नाम बताइए। आपका सही जवाब होगा नैना। आपको पहला पिक्चर में आंख यानी कि नयन दिखाया गया है और दूसरा में पे लेटर जिस से मिलकर बनता है नैना। आपका तेरहवां सवाल है, किस नदी में हीरा पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए यमुना नदी, बी कृष्णा नदी, सी गंगा नदी, डी कावेरी नदी। रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। आपका चौदहवां सवाल है, बी दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और दिमाग लगाकर सब्जी का नाम बताइए।
आपका सही जवाब होगा पोटैटो यानी कि आलू। आपको पहला पिक्चर में पोट दिखाया गया है और दूसरा पिक्चर में ऑटो जिससे मिलकर बनता है पोटैटो यानी कि आलू। आपका लास्ट सवाल है दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और दिमाग लगाकर सब्जी का नाम बताइए। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो रोज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।